नमस्कार मित्रों, मैं हरिवर्धन चौकसी, लाल किताब वास्तु एक्सपर्ट्स। मित्रों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। आप सबका खूब खूब स्वागत। मित्रों, आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। धन, धन आदमी के लिए एक ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिना धन आदमी जीवन नहीं जी सकता। तो मित्रों, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बताते हैं कि सर, हमारे जीवन में धन की कमी हमेशा रहती है। तो मैं कभी कभी बता देता हूँ कि भाई, धन की कमियाँ आप अपने आप ही खड़ी करते हो। ये लोग के दिमाग में ये बात आती नहीं है। तब मेरा ध्यान इनके ऊपर रहता है कि भाई, इनका जीवन किस तरह से ये लोग जीते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। जीवन में अगर धन का सुख चाहिए तो आपको अपनी कुंडली के चंद्रमा को बहुत पावरफुल रखना पड़ेगा। चंद्र धन से जुड़ा हुआ ग्रह है। कुंडली में चंद्र कमज़ोर है, आप चंद्र को कमज़ोर कर रहे हो। चंद्र आपकी कुंडली में राहु, केतु, शनि ऐसे ग्रहों से जुड़ा हुआ है, बुध से जुड़ा हुआ है, तो आपको तकलीफ पड़ सकती है। आप गलत काम कर रहे हो तो आपको धन की कमी हो सकती है। धन चंद्र से जुड़ा हुआ है। चंद्र से जुड़ी हुई और चीज़ें माता, मन और पानी। आप इन चीज़ों को भी देखेंगे आप अपने जीवन में, तो इससे भी आपको पता चलेगा कि भाई, हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। सबसे पहले, माँ को कभी भी दुख मत दो। अगर आपकी माँ दुखी है, चाहे आपके साथ है, चाहे अलग है, चाहे किसी और भाई बहन के साथ रह रही है, अगर माँ दुखी है तो आप कभी भी चंद्र को नहीं पा सकते हो। और चंद्र न मिलने के कारण आप धन भी नहीं पा सकते हो। धन के साथ साथ आपका मन भी हमेशा तकलीफ में रहेगा, तो इसे भी आपको ध्यान में लेना है। तो चंद्र खुद खराब स्थानों में बैठते हैं तब ये प्रॉब्लम, आप चंद्र को खराब करते हो तब चंद्र किसी और ग्रह के साथ बैठ के आपकी तकलीफ बढ़ा रहे, ये सब देखना बहुत ज़रूरी होता है। और लाल किताब में इसके लिए बहुत सारी बातें कही गई है, लेकिन इसे आदमी अपने जीवन से जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो सब कहते हैं कि भाई, इतनी छोटी सी बात, इसे हमें क्या होगा। तो मित्रों, एक छोटा सा एक एग्जाम्पल सुन लो। 10 लीटर दूध आप उबाल रहे हो, एक बूंद इसमें नींबू गिर गया, दूध फट गया, तो ये अपनी जिंदगी है। आप बहुत अच्छे कर्म करो, एक गलत काम आपको नीचे ले आएगा। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि भाई, जीवन में धन की कमी, तो इनको मैं समझाता हूँ कि भाई, आप ऐसे छोटे मोटे कामों में ध्यान रखो। छोटी मोटी गलतियाँ आपको कभी कभार बहुत बड़ा खराब रिजल्ट्स दे देती है। तो सबसे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली में चंद्र को देखना चाहिए। पानी का इस्तेमाल ऐसे करो जैसे वो धन है, इसका बिगाड़ कभी मत करो। ये जितना बिगड़ेगा उतना आपका धन का सुख बिगड़ेगा। दूध उबलकर बार बार चूल्हे पे नहीं आना चाहिए। जिस घर में दूध बार बार उबलता है उस घर में अशांति तो है, धन की कमियां भी रहती है, तो इसे भी ध्यान रखिए। आपकी कुंडली में 6, 8 और 10 इस स्थान में अगर चंद्र बैठे हैं तो आपको चंद्र की कमजोरी अपने आप महसूस होगी। मन से, धन से आप कमज़ोर होंगे, इसके उपाय करने चाहिए आपको। सबसे पहले, माँ को कभी भी दुख ना दें। जहाँ भी माँ दुखी होगी वहाँ आपको धन से जुड़ी हुई तकलीफें मिलती जाएगी। तो मित्रों, इस पर बहुत बड़ा ध्यान अपना बनाए रखें, कभी भी माँ को तकलीफ ना हो। माँ से बेजुबानी मत कीजिए, माँ को गलत शब्दों में कोई भी बात ना सुनाए, इसका अपमान ना करें, बात बात में इसको आप टोके नहीं। मैं कई घरों में देखता हूँ माँ की कोई वैल्यू नहीं होती, तुझे मालूम नहीं पड़ेगा, तू इसमें समझ नहीं पाएगी, हम तेरे से ज़्यादा जानते हैं, ये सब चीज़ बहुत बार माँ को सुननी पड़ती है। वहाँ भी ये कमियाँ आएगी,
कई घरों में मैंने देखा है माता के पास मिलकत है, प्रॉपर्टी है, सोना है, पैसा है, तो माँ बहुत अच्छी। जैसे ही इसके हाथ से अपने हाथ में ये सब चीज़ आ गई, फिर माँ खराब हो जाती है। तो मित्रों, ये धन आप जो लेते हो ने, वो लंबे दिनों तक आप यूज़ नहीं कर पाओगे, वो कहीं ना कहीं आपको गंवाना पड़ेगा और आपको इससे तकलीफें होती ही रहेगी। इस पर भी ध्यान दो। गलत काम करके आप पैसा लाओगे तभी भी आपको तकलीफ होगी। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं भाई तो गलत काम कर रहा है फिर भी वह गाड़ियों में घूम रहा है, बंगलों में रह रहा है, इसके पास सब सुख सुविधा है। तो मित्रों, ऐसे लोगों के घर के अंदर थोड़ा सा झांक लो, आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी कितना सुखी है। अगर धन से सुखी है तो मन से इतना दुखी होगा जो आप सोचोगे कि भाई इससे तो मैं अच्छा हूँ। कहीं औलाद की कमियाँ, कहीं औलाद नालायक रहती है, कहीं घरों में शांति नहीं है, कहीं ऐसी बीमारियाँ है जो पूरा खाना नहीं खा पाते लोग, बहुत सारी बातें ये सब होती है। तो इससे भी हमें सीखना है कि भाई ये सब कमियाँ हम अपने घर में नहीं लाना चाहते। और इसके साथ साथ ये सब चीज़ जब आती है ना, तब धन का सुख हम भुगत नहीं सकते। धन होते हुए भी हमें अच्छी फीलिंग्स नहीं आती, न हम इसे अच्छे कामों में यूज़ कर सकते, न अपने जीवन के लिए यूज़ कर सकते। आपके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन अगर आपको डॉक्टर बोल दे कि भाई आपको बिना घी लगाई हुई रोटी खानी है, सब्जी में तड़का नहीं लगाना है, ऐसे ही खाना है, उबली हुई सब्जी खा लो, तो आपका जीवन कहाँ कैसे होगा। तो ये सब चीज़ जो है ना, वो धन से जुड़ी हुई है कि भाई गलत धन अगर आपके घर में आता है तभी भी ये दिक्कतें होती है। तो इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। गलत पैसा भी अगर आप घर लाते हो तो भी आपको तकलीफ होगी। अपने घर की स्त्री, अपनी पत्नी जो शुक्र मानी गई, उसका भी अगर आप अपमान करोगे तभी भी आपको धन में तकलीफ होगी। लेकिन धन का जो मेन कारक है वो चंद्र है, वो चंद्र है माँ। तो माँ का मन कभी भी मत दुभाओ। अगर इसको आपने दुभाया तो समझ लो आप धन के मामले में धीरे धीरे नीचे आओगे। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनसे पूछते हैं कि भाई आपकी माता जी, तो बोले है ना सर, कहाँ है, तो क्या अलग रहती है, कहाँ रहती है, बोले वो अलग रहती है अपने हिसाब से। क्लियर जवाब नहीं देते लोग। बाद में जब मालूम पड़ता है कि भाई इंक्वायरी करो, या कोई और आदमी इनके साथ जो आए हुए हैं उनमें से कोई बोलता है भाई इनकी माँ तो ओल्ड एज होम में पड़ी हुई है, और वो आदमी मन की शांति और धन की शांति सोचेगा कहाँ से मिलेगी। माँ इतना बड़ा धन है, इतना बड़ा चंद्र है जो आपके पास है, और माँ की सेवा ही आपको धनवान बना सकती है। तो मित्रों, जब भी धन की कमी हो तो सबसे पहले अपनी माँ की हालत देखना, आपकी कोई गलती नहीं हो रही है ना, माँ दुखी नहीं है ना आपके द्वारा, आपके घर में कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही है जिससे माँ दुखी हो रही है, ये चीज़ पहले देखना, बाद में अपने धन की हालत पर सोच बनाना। तो मित्रों, ये सब के लिए मैं कुछ छोटे मोटे 2-4 उपाय बताता हूँ, वो आप अपने जीवन में हमेशा जोड़ के रखना। सबसे पहले माँ की सेवा करनी है, माँ को खुश रखना है। कोई मुसाफिर पानी पिए, ऐसी जगह पे पानी की प्याव लगवाइए आप। जो लोग कर सकते हैं वो लोग चांदी के बर्तन में दूध पानी इसको पी सकते हैं आप। घर के अंदर अगर आपके पानी की टंकी है वो गंदी है तो उसे साफ करवाइए। पानी हमेशा आपके घर में साफ बर्तन में रहना चाहिए। शिव की पूजा कीजिए, महादेव की पूजा कीजिए, इससे भी आपका चंद्र ठीक रहता है। जिसका चंद्र बहुत कमज़ोर है, वैसे लोगों को जहाँ से पानी बहता है, नदी दरिया ऐसी जगह पे घूमने जाना चाहिए, और हिल स्टेशन पे जाके थोड़े दिन घूमना चाहिए, वहाँ खुले में बैठना चाहिए, तो आपका चंद्र मजबूत होगा।
हर रोज एक कुंभ स्थापित कीजिए। छोटी सी एक मिट्टी की मटकी ले लीजिए या फिर तांबे का लोट, इसमें पानी भर के आप अपने घर में मंदिर में इसको रख सकते हो। आपकी पानी की जो जगह है जहां आप मटका वगैरह रखते हो वहां भी इसे स्थापित कर सकते हो। कुंभ स्थापित करो, कुंभ है चंद्र मंगल, तो आपका हर काम मंगल काम शुभ होगा। और कभी भी माँ का अपमान मत कीजिए, और माँ जैसी जितनी भी आपके साथ जुड़ी हुई स्त्री है, औरतें हैं, इनका अपमान भी मत कीजिए। ये छोटी छोटी बातें अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा फायदा होता है। चांदी आप पहन सकते हैं, जिसका चंद्र बहुत अच्छा है वो चांदी किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, ये सब चीज़ आप अपने जीवन से जोड़ते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी हुई कमियाँ कभी नहीं आएगी। तो मित्रों, ये आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो सकता है। बहुत सिंपल, कुछ भी मैंने नहीं कहा, कोई बड़े बड़े उपाय न बताए, ना कुछ बड़ी बड़ी बातें की, बस सिर्फ बताया एकदम आसान और सरल तरीका जो आप अपने जीवन से जोड़ के जीवन में धन की कमी को आप दूर कर सकते हो और अपने जीवन में बहुत आराम से, बहुत शांत मन से अपना जीवन बिता सकते हो। तो मित्रों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, YouTube देखने वाले शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मित्रों, आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए बहुत कुछ ले कर आने वाले हैं अब हिंदी में। तो चलो, बदल दे जिंदगी। नमस्कार।